मेरा प्रिय दोस्तों, आप सबको जय मसीह की एक और मिशनरी सच्ची जीवन कहानी आपके लिए ले आया हूँ। पूरा सुनिए, शेयर कीजिए, दूसरों की आशीषकार बन जाइए। क्रूस का मार्ग दुख का मार्ग है। इसे एक मिशनरी के जीवन में अधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यहाँ तक कि युद्ध, महामारी, आपदा, उत्पीड़न, बीमारी, परिवार के सदस्यों की हानि, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार स्थानांतरण, शत्रुतापूर्ण विदेशी संस्कृति आदि जैसी परिस्थितियां भी उन्हें वापस लौटने के लिए मजबूर नहीं कर सकती थी। मैं आपका हूँ, मुझे भेजो जहाँ आपकी इच्छा हो। मुझे मसीही साहस के साथ मजबूत करे और मैं आपके उद्धार की घोषणा करने के लिए पृथ्वी के छोर तक जाऊंगा। आपको मेरी सेवकाओं की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपके सेवा करने का सौभाग्य के लिए निवेदन करता हूँ। ये विलियम गुडेल की प्रार्थना ये थी, जो कभी भी दुखों के बीच भी परमेश्वर की सेवा करने की अपनी निर्णय से पीछे नहीं हटे। गुडेल का जन्म 1792, मृत्यु 1867, पैदाइश टिम्पलटन, मैसाचुसेट्स, अमेरिका। उनका दर्शन का जगह कॉन्स्टेंटिनोपल और बेरूत। गुडेल अमेरिका में फॉरेन मिशनरी का संस्था के जरिया से सेवकाई करते थे। 1832 में अपनी पत्नी अबिगेल और अन्य मिशनरियों के साथ माल्टा पहुंचे। वहां वे भाषा सीखने के लिए बहुत अध्ययन करते थे। कुछ समय तक वे बेरूत चले गए और उन्होंने अरब, तुर्की, यहूदी, यूनानी, फ्रैंक्स इत्यादि के बीच में सेवा की। इसलिए विभिन्न भाषाओं का अभ्यास करना उनकी दिनचर्या बन गई। कैथोलिक चर्च के लगातार विरोध, युद्धों और विपत्तियों के बीच उन्होंने 1828 तक वहां सेवा की। बेरूत इस प्रकार सीरिया में मिशनरी अभियानों का मुख्यालय बन गया। माल्टा लौटने के बाद गुडेल ने सन 1830 तक नया नियम का आर्मोने तुर्की में अनुवाद किया। सन 1831 में उन्हें कॉन्स्टेंटिनोपल में एक मिशन शुरू करने के लिए नियुक्त किया गया। विपत्तियों, महामारी, युद्धों, यूनानियों और कैथोलिकों के विरोध और उत्पीड़न ने उनका पीछे किया। एक बार आग लगाकर उनका पूरा संपत्ति को जला गया। सन 1841 में उनके बेटे की टाइफाइड से मृत्यु हो गई। उसी साल गुडेल ने पूरी बाइबल का आर्मोनो तुर्की में अनुवाद करना पूरा किया और सन 1863 तक इसके संशोधन पर काम किया। उनके समय के दौरान तुर्की ने प्रोटेस्टेंट सुधार सेवकाई का अनुभव किया। उन्होंने कई स्कूलों की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुडेल तुर्की साम्राज्य में फलदायी सेवकाई के 40 साल पूरे करने के बाद सन 1865 में अमेरिका वापस चले गए और अपनी अंतिम सांस तक प्रभु की सेवा करते रहे। प्रभु यीशु मसीह हम सबको पापों से बचाने के लिए इस दुनिया में आया, 33.5 साल पवित्र जीवन जिया, रक्त बहाकर क्रूस पर लटका गया, मारा गया, गाड़ा गया, कब्रस्तान से तीसरा दिन जी उठा और दूतों के साथ स्वर्ग राज्य में जाते जाते एक वादा किया, मैं दोबारा लौट आऊंगा, जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यही सुसमाचार है। परमेश्वर का भक्त लोग, मिशनरी भाई बहन लोग गांव-गांव तक जा करके बता रहा है। सच में उस बातों पर विश्वास करेगा तो हमारा जीवन में हम लोग भी फल पाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा हो। मेरा प्रिय दोस्तों, क्या आप सर्वशक्तिमान ईश्वर की सेवा करने का सौभाग्य चाहते हैं? मेरा साथ प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु, मैं आपका हूँ, मुझे जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ भेज दो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।